चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है जॉइंट डिसऑर्डर। जॉइंट डिसऑर्डर पढ़ने से पहले अपने को बात करनी पड़ेगी जॉइंट की। जॉइंट क्या होता है? ठीक है, टू और मोर देन टू बोन्स कंबाइन टूगेदर कॉल्ड एज जॉइंट। एग्जाम्पल क्या होंगे? हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ये सब जॉइंट्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या है? दो और दो से ज्यादा बोन्स आपस में जब मिलती हैं तो क्या बनते हैं? जॉइंट्स बनते हैं। डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं और इन जॉइंट का क्लासिफिकेशन अपन ने किया हुआ है, मूवमेंट के हिसाब से भी किया हुआ है। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट आपका साइनोवियल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इन डिफरेंट जॉइंट्स को पढ़ा है अपन ने। पर अपने को अभी क्या पढ़ना है? जॉइंट के डिसऑर्डर्स पढ़ना है। जॉइंट के डिसऑर्डर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं। अगर अपन बात करें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के आधार पे जो है वो अलग क्लासिफिकेशन है जॉइंट डिसऑर्डर का, राइट, या फिर अपन कहें फिजिकल मैकेनिकल के आधार पे जो है वो जॉइंट के डिसऑर्डर्स अलग अलग हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं अभी कि भाई कौन कौन से जॉइंट के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अपन कह रहे हैं जॉइंट का जो डिसऑर्डर है वो सबसे पहला तो कहलाएगा आर्थराइटिस। क्या कहलाएगा? आर्थराइटिस। इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, जिस किसी शब्द के पीछे आईटिस आता है इसका मतलब क्या हुआ है? इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुआ है। और अर्थ मतलब जॉइंट होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, आर्थराइटिस। नेक्स्ट जो होता है उसको कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कहाँ हुआ है? बोन के अंदर। इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन जॉइंट के अंदर जो प्रॉब्लम हुई है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है। नेक्स्ट रोमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट, ये एक आपकी जेनेटिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑटोसोमल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका फोर्थ गाउट, ये आपकी एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। कैसा डिसऑर्डर है? ये जॉइंट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपका गाउट। नेक्स्ट अगर जॉइंट की बात करें तो मेन जॉइंट की प्रॉब्लम तो यही होती है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द गाउट एंड ऑस्टियोपोरोसिस। एक्चुअल में जो है वो बोन का प्रॉब्लम है, जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अपन डिटेल पढ़ते हैं इनकी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अपन कह रहे हैं कि बोन जो है बोन डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बोन का डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये प्रॉब्लम जो है मेनोपॉजल वुमन में ज्यादा देखने को मिलती है। किसमें ज्यादा देखने को मिलती है? मेनोपॉजल वुमन, इसका मतलब है 45 ईयर्स के बाद, राइट, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं तब उनमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बोन धीरे धीरे जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों गलना स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि इसमें डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होने लग जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आने लग जाती है, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट यही होगा, कैल्शियम डाइट और नेक्स्ट आपका
हार्मोनल रिप्लेसमेंट। कौन सा रिप्लेसमेंट? हार्मोनल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन डिसऑर्डर्स की। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या हो रहा है? डीमिनरलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? बोन जो है वो गलने स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें ये अगर आपका जॉइंट है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, गलनी स्टार्ट हो जाती है और ये ब्रेक डाउन हो गई। तो आपने देखा होगा अधिकतर लेडीज जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी चलती है। तो टेढ़ी चलने का रीजन ये होता है, ये बोन जो है इस तरह घिस गई है और ये क्या हो गया है, यहाँ पे घिस गई थी, ये जो एंगल है वो बोन दोनों चिपकने लग गई थी, यहाँ पे क्या हो गया, पोस्चर जो है वो टिल्ट हो गया। तो ये होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। इसमें जो है वो पेन रहेगा, स्पेशली इन द नीज और इन द वर्किंग जॉइंट्स। जितने भी वर्किंग जॉइंट्स हैं उन सभी के अंदर जो है वो पेन रहेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। कॉमन प्रॉब्लम है और इसके अंदर जो है अपन ट्रीटमेंट के तौर पे जो है वो मेडिकेशन देते हैं ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन टैबलेट देते हैं, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन करता है इस लेयर को, ठीक है। पर फाइनल जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होती है, सर्जरी होती है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। अगर नी का है तो नी रिप्लेसमेंट होगा और हिप का है तो हिप रिप्लेसमेंट होगा, राइट? ये हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये आपकी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर जो है वो अपन कह रहे हैं कि जॉइंट में इंफ्लेमेशन हो रहा है, इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो रहा है और इंफ्लेमेशन जो हो रहा है जॉइंट के अंदर, इसकी वजह से जॉइंट में स्वेलिंग हो रही है, जॉइंट में पेन हो रहा है, जॉइंट में टेंडरनेस आ रही है, राइट? और मॉर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, मॉर्निंग स्टिफनेस, राइट, रहती है। इनमें भी जो है वो अवॉइड किया जाता है स्टेयर पर चढ़ने के लिए मना किया जाता है और इनको जो है वो एडवाइस किया जाता है कि आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने की सलाह दी जाती है और इनके इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है। और इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये कैसी प्रॉब्लम है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसको सिर्फ सिम्टम को रिलीज किया जा सकता है, बाकी आप इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, राइट? लास्ट बात करते हैं गाउट की। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, राइट? इस गाउट के अंदर क्या होते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द ग्रेट टो,
ग्रेट टो जो जॉइंट होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिटेड हो जाता है, और जब डिपॉजिटेड हो जाता है ग्रेट टो के ऊपर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, तो वो हार्ड हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, राइट। और वहां पे एक जो बॉल बन जाती है उसको कहते हैं टॉफी, क्या बोलते हैं, टॉफी। टॉफी का आकार जो है वो बाहर की तरफ निकल आएगा, उसको बोलते हैं टॉफी। तो ये यूरेट के क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि डिक्रीज यूरिक एसिड टाइट, राइट। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है आपको पता है एलोप्यूरिनॉल दिया जाता है, ठीक है। कौन सा ड्रग दिया जाता है, एलोप्यूरिनॉल ड्रग यूज में लिया जाता है गाउट को ट्रीट करने के लिए। ये होता है